ये लीजिए चाय। अरे सुमन, हाँ। ये खबर सुनो, लिखा है लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है कि इंसान रोज सवेरे चाय पिए और अखबार पढ़े। अरे भाई साहब, अब जॉगिंग वॉगिंग क्यों नहीं करते हैं? मैं ये कर चुका हूँ, तुमने लेट शुरू किया, मैं ये सब पहले ही कर चुका हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? जब ये लोग गए सवेरे तब तो आप घर्राटे मार रहे थे, कब किया आपने ये सब? बचपन में, मैं बचपन में ये सब कर चुका हूँ, तब ये खराटे लेता रहता था। ओ वाओ, हैरी भाई साहब, आप दोनों बचपन में खराटे एक्सपर्ट्स थे। अरे खराटे नहीं, खराटे, स्नोरिंग स्नोरिंग। हाँ। वैसे भाई साहब, मैं भी बचपन में एक्सरसाइज करता था। फिर भी मेरे जैसी और मेरे जितनी एक्सरसाइज तुमने कभी नहीं की होगी। पता है सुमन, मैं सुबह शाम रोज दो दो घंटे एक्सरसाइज करता था। उसका असर तो दिख ही रहा है इन पर। अरे तुम्हें पता नहीं है, स्कूल के दिनों में मैं स्कूल का सबसे फेमस स्पोर्ट्समैन था। अरे अश्विन, तुम्हें याद है वो मेरा दोस्त गोलू, इसे मैंने पंजा लड़ में हराया था? अरे हाँ हाँ हाँ, वो पतला दुबला मरियल सा सड़ियल सा। अरे भाई साहब, उसे तो कोई भी हरा सकता था। अच्छा, आप पंजा भी लड़ाते थे? कोई शक, आओ हो जाए मुकाबला। हाँ चलिए हो जाए। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं कोई गोलू नहीं हूँ, कहीं आपकी इज्जत का कचरा ना हो जाए। Oh my God, I can't believe this. सारिस इंडिया में? अरे इंडिया में कौन सा वायरस आ गया? That वायरस नहीं, सारिस, सारिस इंडिया में आ चुका है। कौन सारिस? That सारिस, सारिस मर्चेंट, वो यूएस वाला जो हमें पीटर अंकल की पार्टी में मिला था। And you know that, he's a big shot now. और उसकी न्यूज तो पेपर में भी छपी है। अच्छा? यहाँ क्या कर रहा है वो? बिजनेस डैड, उसने अपना पैसा इंडिया में डेयरी फार्म में लगाया, एंड टुडे ही इज अ किंग इन द मिल्क बिजनेस। अच्छा अच्छा, गुड आइडिया यार, हम लोग क्यों नहीं एक डेयरी फार्म खोले? हाँ डैड, बट वी नीड अ बिग प्लेस टू ओपन अ डेयरी फार्म। अरे तो है ना कर्जत वाली जमीन। हाँ, अरे आइए आइए भाई साहब, आइए बैठिए, मैं अभी से बात करने वाला था। मैंने तुम दोनों के नेक विचार सुन लिए हैं। कैसा लगा हमारा आइडिया? इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। अरे भाई साहब, परमिशन तो मांग रहा हूँ आपसे मैं। मुझसे नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री से। हाँ तो क्या है, एप्लीकेशन दे देंगे, 10-15 दिन में परमिशन मिल जाएगी। अरे 10-15 दिन तो एप्लीकेशन को सही हाथों में पहुंचने में लग जाते हैं, वो भी पेपर वेट रखने के बाद। पेपर वेट? पेपर वेट का मतलब है पैसा। यू मीन ब्राइब? अगर हम नहीं दे तो? नहीं देंगे तो एप्लीकेशन उड़ जाएगी। हमारे यूएस में तो? अरे भाई, ये इंडिया है इंडिया, या बीमारी का तार करो तो पुनर्जन्म के बाद मिलता है। What is this पुनर्जन्म नाउ? अब इसका मतलब क्या है? बच्चू, तू पहले इस जन्म का मतलब समझ ले, बाद में पुनर्जन्म के बारे में बताऊंगा। तो अश्विन, क्या डिसीजन क्या हुआ? भाई साहब, अगर ये पेपर वेट वाली बात है हाँ? तो आइडिया ड्रॉप। ये हुई ना बात। फोटो, माय गॉड, ये बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलते हैं उसे, राजकुमार लग रहा है। लेकिन ये तुम्हारा नहीं, मेरा राजकुमार है। How can you say that about my husband, Ashwin? अच्छी जी, ये अश्विन भाई साहब थोड़े हैं, ये तो तुम्हारे जेठ जी हैं। Really? मैंने सोचा बगल में ये पतला चीटलेस लड़का जो बैठा है ना, वो हैरी भाई साहब है। नहीं, ये उनका दोस्त है गोलू, आज सुबह जिसकी बात कर रहे थे ना, वो है। सुमन, कितना दो? सुमन, पता है हमारे घर एक मेहमान आने वाला है। What? Really? कौन? एक छोटा सा पतला सा मरियल सा बच्चा। कौन? सू, you never told me, you naughty girl. क्या दिमाग पाया तुमने शालिनी? अरे कौन आने वाला जी? पूरी बात तो सुन लो, एक छोटा सा पतला सा मरियल सा बच्चा जो बड़ा हो गया है, मेरा दोस्त गोलू। अच्छा। अरे इस गोलू के बचपन के किस्सों से तो एक पूरी किताब छप जाए। पिताजी, लगता है कि गोलू अंकल आपके बचपन के सबसे अच्छे और सबसे पक्के दोस्त हैं। हाँ हाँ अजय, स्कूल के रिसेस में हम खाना भी साथ साथ खाते थे। अरे ये क्यों नहीं कहते भाई साहब कि वो आपका खाना खा जाता था? एक बार मुझे मलेरिया हो गया था तो मैं 3 दिन स्कूल नहीं गया, गोलू भी नहीं गया। अरे उसके स्कूल जाने का मूड नहीं होगा इसलिए नहीं गया होगा। अश्विन, अगर तुम्हें हमारी दोस्ती की कदर नहीं है तो मेहरबानी करके चुप बैठो, अभी गोलू आएगा तो खुद देख लेना दोस्ती किसे कहते हैं। आपकी तारीफ? बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मेरी तारीफ पूछता है पहले अपने बता। ए मिस्टर, तुम इससे बात करो। अच्छा,
तो तू भी इतना बड़ा हो गया मुझे धमकी देने लगा। अरु अपने गोलू को नहीं जानता तू। अरु अरे गोलू तू वाकई में गोलू हो गया रे तू। ये है ये मेरा बेटा अजय। नमस्ते अंकल। जी दे रहा हूँ बेटे। ये मेरा भतीजा रॉकी। रॉकी पाउचू अंकल के पाउचू। हेलो हमें सिखाओ ना। हाउ आर यू। और ये है मेरा एनआरआई भाई अश्विन। अभी अमेरिका से आया है। अश्विन 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 कैसा है तू बेटा? भूल गए हमने गोलू भैया को? गले लग जाओ यार। कैसा है तेरा अमेरिका? हाँ कितने साल हो गए तुझे अमेरिका में? याद नहीं कुछ ठीक से मुझे। बहुत खूब बहुत बढ़िया। बड़े लोगों का यही स्टाइल होता है, छोटी छोटी बात पर याद ही नहीं रखते। कैसा लगा? अम्मा ये भाएंगे ना भरता जी। बहुत खूब बहुत बढ़िया भाई। ये दिल से कह रहा है या यूं ही खुश कर रहा है? भाई दिल से कह रहा हूँ मैं। इतने साल के बाद इतना बढ़िया खाना खाने को मिला है। बहुत खूब बहुत बढ़िया। ये गुलाब जामुन आप जरूर लीजिएगा भाई साहब, बहुत अच्छे हैं। घर में बने? घर में बने हैं। बहुत खूब बहुत बढ़िया। भाभी आपके खाने का तो जवाब नहीं। अमेरिका में रह के भी हिंदुस्तानी खाना बनाना भूले नहीं आप। बहुत खूब बहुत बढ़िया। ओह थैंक्स। नहीं नहीं भाई साहब, ये जो खाना है ना मैंने शालिनी भाभी को आपने सिखाया है। बहुत खूब बहुत बढ़िया। सर ये आपका पौन है जी? मेरा पौन है? हाँ गोकुल लुथरा बोल रहा हूँ भाई। हाँ हाँ बोल बोल। अरे भाई मेरे होते हुए तुम्हारा कोई काम रोक सकता है? शर्मा जी आप ये मत भूलिए आप एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी गोकुल लुथरा से बात कर रहे हैं। गोकुल लुथरा से? हाँ हाँ। अच्छा बहुत खूब बहुत बढ़िया भाई। ठीक है बाद में बात करता हूँ। अरे सॉरी अश्विन मैं गलती से बोलते बोलते तुम्हारे कमरे में आ गया। सॉरी। नहीं नहीं गोलू भाई साहब आप ही का घर है, आइए बैठिए ना। आइए बैठिए बैठिए। ठीक है। क्या कर रहे थे आप? कहाँ काम करते हैं आप? कुछ नहीं यार मैं एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। शर्मा जी वगैरह जान खाते रहते हैं। छोड़ो ये लोगों की बात, ये बताओ अमेरिका के बारे में कुछ बताओ मुझे। अमेरिका तो वाह जी वाह, बड़ी तारीफें किया करते थे आप अपने गोलू की। हाँ कि मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा दोस्त वैसा है, मेरे बिना खाना नहीं खाता, एक दिन नहीं मिलता तो परेशान हो जाता है। और ये आपका दोस्त? तुम मुझ पर गुस्सा हो रही हो या गोलू पर? दोनों पर। ऐसे इसे कहते हैं दोस्ती, जिसके साथ पूरा बचपन बिताया उसको छोड़ सबके साथ बातें करता फिरता है। अरे सुमन मेरे साथ तो उसका पूरा बचपन बीता है, खूब बातें शरारतें की हम दोनों ने, बाकी सबसे तो पहली बार मिल रहा है ना। अश्विन से भी पहली बार मिल रहा है ना? और क्या, अमेरिका से आने के बाद पहली बार मिला है। सब समझती हूँ मैं। हेलो हेलो। हाँ रात को किसी के कमरे में जाते हैं क्या? ए हरु हरु हर माफ करना हरु माफ करना। नमस्ते भाभी My best friend. Aru! 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 मुझे माफ कर दे Aru, मुझे माफ कर दे। लेकिन गोलू तूने किया क्या है? दोस्त से बेवफाई। हैं? बात समझ नहीं आई। Aru, मैंने यहाँ आके सबसे बातें की, सबका मैंने हाल पूछा, मेरे दोस्त का मैंने हाल नहीं पूछा। अरे मेरी अरे मेरी दोस्ती इन छोटी छोटी बातों पर नहीं टिकी मेरे प्यार। तुझे याद है गोलू, तुझे याद है बचपन में जब हम किसी बात पर लड़कर नाराज होते थे तो इसी तरह गले लग मिलकर रोते थे।
मत रो गोलू, कपिल देव जैसा मत रो। मैं प्रभाकर नहीं हूँ, हरिहर हूँ। सब कुछ बदल गया, दोस्त शादी हुए, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन अपना रोना नहीं बदला। गोलू, तुझे यहाँ सब कैसा लगा? बहुत खूब, बहुत बढ़िया। यहाँ आके तेरे एनआरआई भाई से जो मेरी मुलाकात हो गई। लेकिन मेरे एनआरआई भाई के अलावा और लोग भी है घर में। है, है, उसकी बीवी शालिनी है, उसका बेटा रॉकी है, उसकी बेटी कविता है। मेरा तो यहाँ आना सफल हो गया, हरू सफल हो गया। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अश्विन इज ग्रेट, अश्विन इज ग्रेट, अश्विन इज ग्रेट यार। ये है आपका दोस्त। हेलो अंकल, हाउ आर यू? रॉकी, काम काम, सीट बैठो। थैंक यू। कैसा है? एकदम ठीक। जम रहा है इंडिया में? हाँ, चल रहा है, बहुत अच्छा। अरे छोड़ यार, यार अमेरिका जैसे मजा थोड़ी है इंडिया में। हाँ, वैसी बात नहीं है, मगर फिर भी ठीक है। अरे छोड़। ए रॉकी, मैंने सुना है अमेरिका में सब कुछ खुलेआम होता है, ओपनली। यस यस, एवरीथिंग, इवन मर्डर्स एंड लूट, एवरी क्राइम। अरे मर्डर लूट क्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने सुना है अमेरिका में 12-13 साल के लड़के लड़कियों का भी अफेयर शुरू हो जाता है, डेटिंग। ए राखी, तुम्हारा कोई चक्कर बकर है अमेरिका में? चक्कर? नो, आई एम फाइन, मुझे कोई चक्कर नहीं आ रहा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अरे मैं उस चक्कर की बात नहीं कर रहा हूँ। उस चक्कर की बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारा कोई अमेरिका में कोई अफेयर्स वगैरह कोई शुरू हुआ कि नहीं? कम ऑन अंकल, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बता, अमेरिका में लड़की सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए जी, अब बहुत हो चुका, अब आप अपने इस दोस्त को झटपट रवाना कीजिए। देखो सुमन, मैं मानता हूँ कि मुझसे ज्यादा दिलचस्पी वो अश्विन उसके परिवार में ले रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे घर से निकाल दूँ। नहीं, वो दिलचस्पी तो और भी बहुत सारी चीजों में ले रहा है। हाँ, छी 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 छी, राम राम, मतलब अपनी उम्र का तो कुछ लिहाज करना चाहिए। बेशरम, उसकी ये मजाल। क्या बोला, खुलकर बताओ। छी छी, मुझे तो कहने में भी शर्म आती है। सुमन, मुझसे मत छिपाओ, बोलो क्या बोलो तुमको, बोलो। मुझे नहीं कहा उसने, राकेश से कहा। रॉकी को? हाँ, रॉकी को कहा। हाँ, अरे राकेश से ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा था, हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा सोचिए। मुझे गोलू से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी नहीं थी। अगर हमारा अजय होता तो राकेश की जगह। छी 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 छी। सुमन, कान में बताओ क्या बोला, कान में बताओ। ओ, इतनी सी बात? हाँ। मैं समझा। क्या समझा? कुछ नहीं। अरे उस जमाने में स्पोर्ट्स में सबसे आगे हुआ करता था। क्यों अश्विन? अरे हाँ हाँ, उस जमाने में गोलू भाई साहब की बॉडी देखने वाली थी। क्या बॉडी थी? हाँ हाँ, अभी तक मेंटेन किया हुआ है। अंकल एक बात बताइए, आप, आपकी और हरी अंकल की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, मगर आपका फ्रेंडशिप बैंड कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे बैंड तो हमारे जमाने में था ही नहीं, हम लोग बजाते ही नहीं थे, दिल में आए बजा डालते थे बस। नहीं अंकल, हम वो वाले बैंड की बात नहीं कर रहे, वो जो हाथ पे बांधते ना, वो फ्रेंडशिप बैंड, वो सब हमारे जमाने में नहीं था भाई। नो बैंड, नो चॉकलेट, नो गिफ्ट, बस प्यार का रिश्ता, दोस्ती का जज्बा। देखा कितने महान विचार है गोलू भाई साहब के। हाँ हाँ, इनके महान विचारों पर तो एक किताब लिखी जा सकती है। क्यों गोलू? अंकल आइए बैठिए। क्या तू मुझे शर्मिंदा करता है? तुम्हारी हरकतें ऐसी है। कुछ कहा? जैसे कब तक ठहरने का इरादा है? क्यों भगाना चाहता है मुझे? डर मत, शाम की गाड़ी के रिटर्न टिकट है। अरे क्या बात कर रहे गोलू भाई साहब, आप शाम को जा रहे हैं क्या? हाँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको कम से कम एक हफ्ता यहाँ पे रुकना पड़ेगा, एक हफ्ता। देख, सुन, इसे कहते हैं दोस्ती, इसे कहते हैं प्यार, और एक तू है, ना दोस्ती के कदर है ना दोस्त की, तू पत्थर है हरू, तू पत्थर है, पत्थर, और ये तेरा छोटा भाई, इसे इंसान की कदर है, दोस्ती की कदर है, प्यार की कदर है। अश्विन, अपना ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अश्विन कभी नहीं टूटेगा, अश्विन अपना रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। लो, आप यहाँ बैठे हो, सब लोग आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं, चलिए। जब दिल ही टूट गया,
हम जी क्या क्या करेंगे? खाना खा लेंगे। अब चलिए, गोलू है ना? नाम ले लो उसका। कसमी वादे प्यार सब। आगे क्या बातें हैं, बातों का क्या। जब इंसान का पेट खाली हो तो उसके दिमाग पे भी असर पड़ जाता है, ये मुझे नहीं मालूम था। चलिए, वो आपका दोस्त है। मत कहो उसे मेरा दोस्त। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार या प्यार ना। अरे उसने ऐसा क्या किया जो इतने गाने गाने लगे आप? मेरी बरसों पुरानी दोस्ती को ठुकरा कर अश्विन को वो दोस्त बोला, मुझे मुझे पत्थर कहा, वो बच्चों के सामने। अरे बच्चों को मालूम है। मोहन डार ने कमाल कर दिया, गोलू अंकल के साथ दोस्ती का नाटक करके उनको पटा लिया। अब बहुत जल्द हमारा कैटल फार्म खुलने वाला है मॉम। अच्छा, वो वहाँ नाटक कर रहे थे? हाँ, और क्या, आपको क्या लगता है वो गोल मटोल फुटबॉल जैसे आदमी के साथ दोस्ती करेंगे? अब मुझे को कुछ करना पड़ेगा। चाय लेंगे भाई साहब? ओहो, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। थैंक यू बाबी, थैंक यू। हरु बड़ा लकी है, आप जैसी भी मिली उसे। नहीं नहीं, आप जैसा दोस्त भी तो मिला है। आप दोनों की दोस्ती को देखकर सच कहती हूँ, मुझे तो जलन होती है। जलन? हाँ, मेरी कोई इतनी अच्छी सहेली नहीं है ना, जलन तो होगी ही। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। वैसे भाभी, आपका भी जवाब नहीं? नहीं नहीं, जवाब तो आपका नहीं भाई साहब, आपने सच्चे दोस्त होने की फर्ज निभाई है, दुनिया के सामने मिसाल कायम की है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। क्या किया मैंने? किया नहीं है भाई साहब, आप करने वाले हैं। वो करजत में हमारी जमीन है ना खाली पड़ी, जिसपे हम फार्म खोलना चाहते हैं, वहाँ गाय भैंस रखेंगे। मुझे तो मालूम है ना, ना मैं तो कहूंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसमें हमारी पूरी मदद करेंगे। मैं? कैसी मदद? क्यों, आपके डिपार्टमेंट में से फार्म की अनुमति आप नहीं दिलाएंगे तो और कौन दिलाएगा? दोस्त हो तो ऐसा। सच कहा ना मैंने? बहुत खूब, बहुत बढ़िया। किसी को डेयरी फार्म खोलने के लिए परमिशन चाहिए और किसी का और कुछ फायदा? अरे वो भी एक वक्त था भाभी, मैं और हरू एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फायदे के। पर दोस्त तो दोस्त, दोस्त के रिश्तेदार भी फायदा उठाना नहीं छोड़ते। मैं आपका इशारा समझ गया भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रहे हो भाई, गलती मेरी थी, मैंने मेरे दोस्त को पहचाना नहीं। अरे कौन किसका किस लिए फायदा उठा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब, क्या हुआ कि आपके मना करने के बावजूद वो कर्जत वाली जमीन के ऊपर में डेयरी फार्म खोलना चाहता था, उसके लिए मुझे इनकी मदद चाहिए थी। अश्विन, वो डेयरी फार्म तुम्हें खोलना था? हाँ। हरिहर को नहीं? नहीं, इन्होंने तो मुझे मना किया था। मुझे माफ करना हरू, मुझे माफ करना, पहचाना नहीं हरू। वैसे भी अश्विन, हाँ, मैं तुम्हारी अभी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो नौकरी में छोड़ रहा हूँ। क्यों 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 नौकरी छोड़ रहा है? हाँ? और करेगा क्या? दोस्त किस दिन काम आएंगे? मैं यूएस जाऊंगा। अच्छा, यूएस में आपको कोई दोस्त है क्या? है, अभी इंडिया में है। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन है? तुम अश्विन? मैं? अश्विन, तुम मेरे लिए यूएस में अच्छा सा जॉब ढूंढो अपनी दोस्ती के खातिर। अश्विन, बहुत बढ़िया।